गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू यस्टरडे टॉपिक हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। ओके, क्या है आज का टॉपिक? हाउ इज फेडरल प्रैक्टिस। फेडरलिज्म प्रैक्टिस इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस में लाया जाता है, तो हमने यस्टरडे टू टॉपिक्स पे हम डिस्कशन कर चुके थे। पहला क्या था? फर्स्ट था आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज पॉलिसी हम दोनों पे डिस्कशन कर चुके थे। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कि किस तरह से भारत में जाना से जाना प्रैक्टिस में फेडरलिज्म को लाया जा रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले भारत में जो फॉर्मेशन हुआ स्टेट का, पहले तो इंडियन गवर्नमेंट को यानी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको ऐसा लगा कि इसे डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, डिवीजन ना हो जाए, क्योंकि हम पार्टीशन से अभी तुरंत निकले थे 1947 में, और फिर इस तरह की डिमांड तो लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा था लीडर्स को, लेकिन इसके फॉर्मेशन से क्या हुआ, गवर्नमेंट बहुत अच्छा हुआ, किसका? पर्टिकुलर रीजन का, स्टेट का। और मेन मकसद इसका क्या है, पर्पस क्या है, कि डेवलपमेंट ज्यादा ज्यादा डेवलपमेंट हो, लोगों तक पहुंचे, तो स्टेट जितने छोटे स्टेट होंगे उतना ही अच्छा डेवलपमेंट। आज भी जितने छोटे स्टेट्स आप देख लो इंडिया में 28 स्टेट्स में मोस्टली जो स्मॉल एरियाज में जो स्टेट है उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल केरला है, गोवा है, पंजाब है, ये क्या है एरियाज में वो छोटे, लेकिन इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। तो इसके जरिए हमने प्रैक्टिस में लाए स्टेट को डिवाइड कर दिया। दूसरी लैंग्वेज पॉलिसी, 22 लैंग्वेज को हमने क्या बनाया, रिकॉग्नाइज किया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। आज थर्ड जो टॉपिक है रह गया था आपका वो क्या है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, जो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कहीं कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रेज होते हैं, उठते रहते हैं। कुछ डिमांड्स स्टेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इन चीजों को आप रिमूव कर दें या कुछ ऐसा, तो उसमें जो मोस्टली सेंट्रल और स्टेट रिलेशन में कई कमीशन भी फॉर्म्ड हुए, उनमें कुछ वेरी पॉपुलर कमीशन है जो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन को उन्होंने कुछ सजेशंस रिकमेंड किए। मैं जैसे कुछ आपको बता देता हूं, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन थे, फर्स्ट क्या था आपका, राजमन्नार कमीशन, सेकेंड आपका पंछी कमीशन, थर्ड सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन ये आपका 2007 और ये 19
83 ये फॉर्म्ड हुए कमीशन आपके मोस्ट सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन के जो अच्छे किस तरह से रिलेशन हो सकते हैं, कौन सी ऐसी ड्रॉबैक्स हैं जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं, तो उनमें इन्होंने जो रिकमेंड की कुछ चीजें, उन्हें जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज थी स्टेट को जो शिकायत थी वो क्या थी आपकी, गवर्नर्स को लेकर, क्योंकि स्टेट को ऐसा लगता है कि गवर्नर सही से प्रॉपर स्टेट के लिए काम नहीं करते, वो सेंट्रल के लिए काम करते, तो कहेंगे फैसिलिटी करते हैं गवर्नर। ये सबसे विवादास्पद डिस्प्यूटेड डेजिग्नेशन रहा है स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशन में, तो इनके जरिए काफी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की इनके रिलेशनशिप को। ओके, तो ये थ्री आपके हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इंडिया में, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, इनके फॉर्म के साथ ही काफी कुछ किया गया इस पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फेडरलिज्म का, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे कुछ चीजें लेके और थर्ड यानी लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा दी गई थी, ऐसे कह सकते हैं व्हेन पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट क्या डेफिनेशन है इसकी, वेल पावर टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट से कुछ पावर को लेके और किसको दे दिया गया, गिवन लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट यानी कि थर्ड गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, थर्ड लेवल गवर्नमेंट कौन सी थी, पंचायती राज, उसको दे दिया गया पावर्स को। तो वी विल डिस्कशन टुडे अबाउट पंचायती राज सिस्टम, भारत में कब से पंचायती राज प्रॉपर तरीके से लागू हुआ और किसकी रिकमेंडेशन पे जो पंचायती राज सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट इंडिया में किया गया। पंचायती राज में भी थ्री टीयर्स थे आपके, पंचायती राज की हम ग्राम सभा ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद के बारे में भी विल डिस्कशन अबाउट थ्री टीयर्स ऑफ पंचायती राज, ग्राम सभा पंचायत समिति ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद। तो थर्ड पंचायती राज
चार पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम जो लोकल बॉडी है थर्ड गवर्नमेंट को दे दिया गया, क्या था आपका पंचायती राज सिस्टम को। अब पंचायती राज जरूरी क्यों था, बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी अपने, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रही है, तो बहुत लॉन्ग पीरियड से देखा गया जो भी डेवलपमेंट है वो गांव तक नहीं पहुंच रहा है, तो कैसे डेवलपमेंट किया जाए विलेजेस का, क्योंकि इंडिया में विलेज एक सबसे छोटी यूनिट है और जब विलेज डेवलपमेंट होंगे तो कंट्री भी डेवलपमेंट होगी। इस पर्पज के साथ हमने यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, क्योंकि इंडिया इज ए वेरी वास्ट कंट्री, बहुत विशाल कंट्री है, लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कंट्री ऑफ विलेजेस, गांव का देश है, क्योंकि यहाँ पे 60-70% पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस, गांव में रहती है, आपने देखा होगा मोस्टली पॉपुलेशन 60-70%, और वो किस पे एंगेज्ड है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, क्या रहते हैं एंगेज्ड रहते हैं। तो अगर हमारे गांव विलेजेस डेवलप होंगे तो कंट्री अपने आप डेवलप होगी, तो इसी सोच के साथ यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट को कुछ राइट्स दिए गए। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कि सपोज दैट दिस इज अ विलेज, ये विलेज है आपका मान, ठीक है, विलेज है। अब विलेज में क्या है, हम इसको स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल कैसे बनाएंगे, गांव को एक ताकतवर यानी स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल क्षमता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या होना चाहिए गांव में, एजुकेशन, एजुकेशन में डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक, एजुकेशन, सेकंड आपका सैनिटेशन, थर्ड वाटर कंजर्वेशन, बॉन्ड्स कंस्ट्रक्शन, बॉन्ड्स कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हम पे अटेंशन किसकी जरूरत करने की है, विलेज में हम विलेज को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कैपेबल, तो उसके लिए एजुकेशन में डेवलपमेंट की जरूरत है गांव में, सैनिटेशन स्वच्छता, वाटर कंजर्वेशन, बॉन्ड्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन करके और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करके, यही कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम गांव को क्या बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैपेबल बना सकते हैं। और भी कई एक्टिविटीज होती है गांव में, रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रेन सिस्टम है, इन सबको प्रॉपर, और ये इन सारी प्रॉब्लम्स को कौन बेहतर बता सकता है, लोकल का कोई व्यक्ति, लोकल का, वो गांव के जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व कौन करेगा, लोकल का ही कोई कर सकता है, तो इसलिए पावर्स किसको दे दी गई, लोकल गवर्नमेंट को, प्रधान जो कि गांव का होता है वो इन सारी चीजों पे अच्छे से ध्यान दे सकता है, क्योंकि वो वहां का लोकल का है। कि अगर हम पंचायती राज को प्रॉपर तरीके से देखें, इसके वर्ड्स पे जाए, पंचायती राज तो ये क्या है, लोकल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम,
स्वशासन जो गांव के लोगों के द्वारा गांव के विकास के लिए, तो पंचायती राज में क्या लोकल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम, तो बेहतर से डेवलपमेंट होगा किसी गांव का। इस सोच के साथ थर्ड गवर्नमेंट को यहाँ पे फॉर्म किया गया, सेटअप किया गया। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, अगर हम पंचायती राज की डिस्कशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एशियन टाइम में भी सिस्टम देखते हैं, एशियन टाइम्स में बहुत सारे इवेंट्स मिलते हैं कि सेल्फ गवर्निंग के द्वारा किस तरह से हमारे इंडिया के गांव डेवलप थे। फिर हम देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में ऐसा कह सकते हैं प्रॉपर एक इस पे काम किया गया था लॉर्ड रिपिन के समय। लॉर्ड रिपिन के समय इस पे काम किया गया था, गोल्डन टाइम कहा जाता है, लेकिन आफ्टर 1947 के बाद यहाँ पे कुछ कमीशन सेटअप किए गए थे कि किस तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर 30s की गवर्नमेंट काम करे। उसके लिए यहाँ पे जो सबसे पहला कमीशन बना था वो आपका क्या था, बलवंत राय मेहता कमेटी। इसमें क्या रिकमेंडेशन किया, 3 tiers, 3 levels होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 3 levels, कौन कौन से, विलेज लेवल पे डेवलपमेंट के लिए, सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड जिला, यानी विलेज लेवल के लिए डेवलपमेंट के लिए, सेकेंड ब्लॉक लेवल के लिए एंड थर्ड जिला के लिए 3 tiers का रिकमेंड किया बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ऐसी सेकेंड आपकी जो कमेटी थी अशोक मेहता, इसने रिकमेंड किया 4 tiers में, 4 tiers यानी 4 levels होने चाहिए डेवलपमेंट के लिए। उसमें क्या था आपका, स्टेट लेवल पे, फिर जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड विलेज लेवल पे, ये 4 डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस तरह कई कमीशंस बनाए गए कि किस तरह से थर्ड गवर्नमेंट अच्छे से बेहतर से काम करे, तो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज।
में कमीशन के जरिए जो सबसे पहले जो बलवंत राय नाटक कमेटी थी बलवंत राय मेहता रिकमेंड पे बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश थी उस बेस पे जो सबसे पहले इन इंडिया में सेटअप किया गया था पंचायती राज, तो वो क्या था आपका, ये आप याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 नागौर इन राजस्थान। यानी सबसे पहले फर्स्ट टाइम इंडिया में प्रॉपर तरीके से 2 अक्टूबर 1959 नागौर में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, लेकिन जो पंचायती राज सिस्टम था वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव वर्क नहीं कर पा रहा था, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले स्टेप उठाया वो था 1992 में, उतना इफेक्टिव तरीके से थर्ड लोकल गवर्नमेंट जो थी वो वर्क नहीं कर पा रही थी, इसके लिए उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने 1992 में एक अमेंडमेंट लेके आए एक्ट, पंचायती राज एक्ट, पंचायती राज एक्ट 1992 में 73 अमेंडमेंट बोलते हैं इसको, 73वां संशोधन। अमेंडमेंट था ये 1992 में, इसके जरिए इसको एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन दे दिया गया था, दर्जा दे दिया गया था इसको। ठीक है, 1992 में पंचायती राज को, अब इसके जरिए क्या हो गया, एक मैंडेटरी बनाएगी कुछ इसकी जो फीचर्स थी पंचायती राज की, तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ, जो फर्स्ट फीचर थी इसकी कि जो अब इलेक्शंस होंगे पंचायती राज के रेगुलर हर 5 साल बाद इसके इलेक्शंस होंगे, पहले ऐसा रेगुलर नहीं था लेकिन अब मैंडेटरी में आ गया था क्योंकि संवैधानिक दर्जा मिल चुका था पंचायती राज को, तो प्रॉपर अब हर स्टेट के रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर 5 साल बाद उसे कराना ही है इलेक्शन। तो पहली जो फीचर्स थी इसकी वो क्या थी कि इलेक्शंस रेगुलर इलेक्शंस होंगे, क्या होंगे, रेगुलर रेगुलर इलेक्शंस। ठीक, सेकेंड सीटें इसमें रिजर्व की गई, सीट्स रिजर्व फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। अब यहां पे सीटें रिजर्व कर दी गई लोअर सेक्शंस के जो लोग थे एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए, अब इस सीटें रिजर्व की गई, नेशनल लेवल पे भी सीटें रिजर्व है हमारे पार्लियामेंट में एससी एंड एसटी के लिए। आई हैव डिस्कशन अबाउट सीट्स ऑफ पार्लियामेंट 79 एंड एससी एंड 40 फॉर एसटी। ऐसी थर्ड जो लोकल गवर्नमेंट थी उसमें जो मैंडेटरी जो रूल्स आए थे फीचर्स आए थे उसमें क्या था कि एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व की जाए। उसके बाद जो थर्ड इसकी फीचर्स थी वुमेन्स को 1/3 सीट्स रिजर्व की गई
यानी कि जो भी इसमें पंचायती राज में प्रधान और अन्य जो सीट्स होंगी उनमें 1/3 पे वुमेन्स का चुनना कंपलसरी है, इलेक्ट होंगी 1/3 वुमेन लोकल गवर्नमेंट में, तो वुमेन्स के लिए भी 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई 1992 की एक्ट जो बना लीगल एक्ट उसमें 1/3 सीट्स क्या कर दी गई रिजर्व कर दी गई। इसके बाद जो फोर्थ फीचर्स थी इसकी जो फोर्थ फीचर्स थी इसकी स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया गया फॉर पंचायती राज। स्टेट इलेक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो पंचायती राज की इलेक्शन से वो कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी, फॉर्म किया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन को 1992 के एक्ट के जरिए। एंड फिफ्थ क्या थी इसमें जो फीचर्स थी आपकी फिफ्थ वो थी स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर टू शेयर ऑफ इट्स पावर रेवेन्यू विद रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट मैंडेटरी में 5 विशेषता स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू से रिलेटेड चीजें थी वो क्या करनी है शेयर करनी थी लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो इस तरह से 5 फीचर्स हैं जो 1992 में लोकल गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड कराएंगे। अब हम देखते हैं अब जो ग्राम पंचायत का जो इलेक्शंस था और कहां पे ग्राम पंचायत या जो लोकल गवर्नमेंट सेटअप होगी या फॉर्म्ड होगी तो उसके लिए एक रूल्स और था कि जो 20 लाख से अवाम है पॉपुलेशन इसकी
20 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन पे क्या होगा, थ्री टीयर्स गवर्नमेंट बनेगी, लोकल गवर्नमेंट, यानी ग्राम, ब्लॉक एंड जिला परिषद। और जो 20 लाख से कम है इससे, लेस है, कम है, वहां पे क्या था, टू टीयर्स गवर्नमेंट बनेगी, यानी कि आपकी विलेज और जिला, ये प्रोविजन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 20 लाख से ऊपर पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में 3 टीयर्स रहेगी और 20 लाख से कम वाले में 2 टीयर्स गवर्नमेंट रहेगी, लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये प्रोविजन किया गया। अब ग्राम सभा, व्हाट इज ग्राम सभा, ग्राम सभा होती क्या है और ग्राम सभा कहाँ पे सेटअप हो सकती है, तो ग्राम सभा के लिए भी एक नॉर्म्स आया कि मिनिमम जो ग्राम सभा है ग्राम सभा कहां फॉर्म हो सकती है, जहां पर 1000 की पॉपुलेशन है, कितनी 1000 की जहां पे पॉपुलेशन है वहां पे ही ग्राम सभा फॉर्म हो सकती थी। अब जहां पे 1000 की नहीं है तो क्या होता था, 2 विलेज 3 विलेज को मिला के और ग्राम सभा फॉर्म होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा विलेज है उसकी कितनी है पॉपुलेशन 200, एक और है उसकी कितनी है 300, और एक और है उसकी कितनी है 500। तो ये तीन विलेज मिला के क्या बनेगा, ग्राम सभा, यानी तीन गांव की मिला के पॉपुलेशन कितनी हो रही, 1000 से अबव हो रही है, 500 300 8 and 2, कितनी हो रही 1000, ठीक हो रही है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे 300 है, 300 300 और 500, तो कितनी हो रही 1100। तो इन तीन को मिला के, गांव को मिला के ग्राम सभा की फॉर्म होगी। तो इस तरह से ग्राम सभा का जो मिनिमम रखा गया पॉपुलेशन का क्या था, 1000। दिस टॉपिक विल बी कंप्लीट टुमारो।